जब मैं स्कूल में था तब 10 रुपये में 5 समोसा मिलता था, और आज 10 रुपये में बस 2 ही समोसा मिलता है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आखिर क्यों होती है इन्फ्लेशन? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या सच में इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन की वजह से? WPI inflation spikes to 14.55% in March. And as fuel inflation is hitting record highs, the Reserve Bank decided to hold steady with its lending rates. It hasn't changed it in a bid to control inflation. RBI raises repo rate by 40 basis points in surprise move to tackle inflation and other. The RBI also said that in a gradual and calibrated manner, it will withdraw rupees 8.5 lakh crore of liquidity from the system beginning this year. So I think it's the primary responsibility of RBI to see that the inflation doesn't go up. पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्यों है। इन्फ्लेशन होने के पीछे मेनली 4 रीज़न है। पहला रीज़न है इकोनॉमिक बूम होना। अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, यानी लोग ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे। अगर लोग ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे तो प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। लेट मी टेक एग्जाम्पल। मान लो एक ट्रेन में 10 कंपार्टमेंट है, उनमें से एक फर्स्ट क्लास और बाकी 9 जनरल। अब अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो हर कोई फर्स्ट क्लास में जाना चाहेगा, लेकिन कंपार्टमेंट तो एक ही है। उस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के प्राइस और बढ़ा दिया जाएगा ताकि जिन लोगों के पास और ज़्यादा पैसा है वही फर्स्ट क्लास को यूज़ कर पाए। इस तरह की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और क्या? दूसरा रीज़न है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना। जैसे गेहूं या चावल के प्राइस बढ़ गए या फिर ऑयल्स के प्राइस बढ़ गए, तो जो कंपनीज इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बनाती है उनको बनाना महंगा पड़ेगा, और अगर उनको बनाना महंगा पड़ेगा तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए फिर प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा रीज़न है सबकी सैलरीज बढ़ना। चल झूठा। सच में जब कंपनीज या सरकारें अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाती है तब प्रॉफिट में रहने के लिए उनको अपने प्रोडक्ट्स का दाम भी बढ़ाना पड़ता है, और इस तरह की इन्फ्लेशन को कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। और एंड फोर्थ रीज़न है करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी पैसों का वैल्यू गिरना। ये कई रीज़नों की वजह से होता है। जैसे कि अगर कोई देश बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दे तो उस देश का करेंसी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी है जिससे कि हम दूर ही रहेंगे। बस हवा निकल गई। इस तरह की इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज है तो ये क्या बात करता है यार। जी हाँ, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि इन्फ्लेशन एक खराब चीज है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 0% हो जाएगा तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। पिलियल बॉल। अगर 0% इन्फ्लेशन होगी तो कंपनी सबकी सैलरीज नहीं बढ़ाएगी, और अगर डिफ्लेशन होगी चीज़ों की प्राइस कम होते जाएंगे तो लोग खर्चे नहीं करेंगे। अगर लोग खर्चे नहीं करेंगे तो बिजनेसेस लॉस में जाएगी, और अगर बिजनेसेस लॉस में जाने लगे तो जॉब लॉसेस होने लगेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के केस में एक ग्राफ वैलिड नहीं रहता है। ओके, अब आप पूछ सकते हो कि एक ऑप्टिमम लेवल क्या है इन्फ्लेशन का जो एक देश को रखना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री के लिए ये रेट 2% है और इंडिया के लिए 4%। वेरी गुड। अब एक देश कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन रेट को? इसका जिम्मेदारी होता है हर देश के सेंट्रल बैंक के पास, इंडिया के केस में RBI। RBI अपने इंटरेस्ट रेट को कम करके या बढ़ा करके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है। अगर RBI अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है बाकी बैंक्स को लोन देने के लिए, तो बाकी बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा, जिससे कि कम लोग लोन लेंगे। अगर कम लोग लोन लेंगे तो कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा और इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो बाकी बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा और इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा बोले, ऐसा होता है। इसके अलावा और भी कुछ तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, जैसे कि ज्यादा नोट प्रिंट करके, और सरकार के पास भी कुछ तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, जैसे टैक्सेस को बढ़ा के या फिर कम करके। ओके, अब अगर आप सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन तभी होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है फिर भी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक एक्सेप्शन है। इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जो अभी श्रीलंका में होने लग रहा है। अब श्रीलंका का स्टैगफ्लेशन की रीजन क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक आउट। क्यों नहीं? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन की? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्फ्लेशन खराब है।
क्योंकि आपके पैसों का वैल्यू लूज होता है, आपको सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इन शॉर्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर इन्फ्लेशन नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सही बात है। अब अगर आप अपने आपको मिडिल क्लास समझते हो तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपका सोच बदल जाएगा। अच्छा, होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब टू द चैनल।